हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये एक ऐसा टेक शो है जहां पे टेक्नोलॉजी हर रोज गियर बदलती है और हम कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। एंड व्हाइल यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इसी तरह मल्टीपल थिंग्स, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस आर द वंस जो कि कॉमन साइट में छुपी होती हैं और फिर अचानक से गियर चेंज करके सामने आ जाती हैं। अब जब मैं इतना बोल ही रहा हूँ, आई एम श्योर यू हैव द हिंट बाय नाउ, एंड टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल्स। ये जो गाड़ियां हमारे चारों तरफ चल रही हैं, हाउ इज द टेक इन दीज व्हीकल्स, आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्वाइट अ फन इंटरेस्टिंग जर्नी, सो लेट जस्ट पुश द पेडल, चेंज द गियर और मजा उठाते हैं टेक का जो कि हम देखते हैं इन्हीं कार्स और बाइक्स और ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स में। हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव, AKA TG, यू आर वॉचिंग टेक विद TG। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज आई वॉज गिविंग हिंट्स इन द इंट्रो, आज जब हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो मैं इन गाड़ियों में पावर विंडोज टू क्रूज कंट्रोल टू स्मार्ट ड्राइविंग टू ड्राइवरलेस कार्स टू कनेक्टेड कार्स, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज दीज आर नॉट रियली एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स। ए फन न्यू क्वेश्चन गोज लाइक दिस, What happens अगर आप अपने कंप्यूटर के नीचे व्हील्स यानी पहिए लगा दे तो? In today's day and age, it would become a car or at least a prototype or concept. There are reports that people have started disliking too much tech in their cars. But ये तो हमेशा सब्जेक्टिव रहेगा। We love driving manuals, maybe आप लोगों को automatics पसंद है। Similarly, a long trip and road tourer को features like cruise control and ADAS शायद essential लगें, but day-to-day city commuters don't actually need these features. On one hand, features like cameras that show a 360 view of your car, they make absolute sense because ये आपकी car में sense of security and they aid in driving. But isn't the screen that lets you play videos while driving distracting and dangerous? अब एक दूसरे तरह के डेंजर की बात करते हैं, एंड दिस वन विल कम एज अ सरप्राइज टू यू। मॉडर्न कार्स आर ए प्रिवेसी नाइटमेयर, सेज द मोज़िला फाउंडेशन। दे रिव्यू 25 ऑफ द मोस्ट वेल नोन कार ब्रांड्स ग्लोबली एंड ऑल ऑफ देम परफॉर्म्ड रियली बैड इन द सर्वे। इनफैक्ट कार्स ने मेंटल हेल्थ ऐप से भी ज्यादा बुरा परफॉर्म किया, जहां आप अपने काफी डीप एंड मे बी इवन डार्क डिटेल्स शेयर कर देते हैं। How did this happen? Well, अगर आप notice करें तो modern cars are full of data collection sources and sensors, जैसे कि GPS जो आप कहाँ कहाँ गए इस पर पूरे time नज़र रखता है, जैसे कि the entertainment system जो आपके music preferences पर track रखता है। इनफैक्ट आप अपना स्मार्टफोन उनसे पेयर करके अपने कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस एंड इवन कॉल लॉग्स का एक्सेस दे देते हैं, एंड इस तरह के काफ़ी डेटा पॉइंट्स एंड इन्फ्रेंसेस को यूज करके मोर डेटा can even be invented or profiled about you. So next time जब आप एक fancy feature देख के impress हो जाएं, try categorizing it with this question. अगर ये feature off हो जाए, तो क्या मेरी कार चलना बंद कर देगी? Thereby circling back to the question, how much tech is too much tech? And precisely why we're talking about the main organs that make a car. जहाँ पे हम बात करते हैं टेक की, वी नीड टू टॉक अबाउट द एसेंशियल वंस, जिनके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एंड वी टॉक अबाउट द एसेंशियल स्टफ, आई मीन टायर्स एंड व्हील्स वो तो ऑफ कोर्स हैं ही, बट द इंजन एंड द ड्राइव ट्रेन आर टू मोस्ट क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी व्हीकल, एंड टुडे वी गोइंग टू एक्सप्लोर ओनली दीज। एंड यहाँ पे इफ यू जस्ट वॉन्ट टू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज व्हीकल्स जो आपके चारों तरफ चल रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन इफ यू गो टू अ कॉर्नर शॉप एंड वहां से यू आर बाइंग योर बेस्ट फेवरेट ड्रिंक, वो आप नहीं खरीद सकते थे अगर कोई गाड़ी उसको वहां तक छोड़ के नहीं जाती। तो बेसिकली दिस एंटायर वर्ल्ड रन्स बिकॉज ऑफ दीज व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। अब यहां पे चाहे हम बात करते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन्स की, चाहे हम बात करते हैं स्टीम इंजन्स की, वी हैव मूव्ड क्वाइट अ लॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक व्हीकल्स टू दीज मॉडर्न मिरेकल्स, बट द एसेंशियल स्टफ रिमेन्स द सेम। सो लेट्स एक्सप्लोर ICE baby, because yes, ICE stands for the internal combustion engine. Let's explore
तो चलिए देखते हैं कैसे ये इंजन हमारे गाड़ी चलाने के लिए पावर जनरेट करता है एंड हाउ दिस पावर मेक्स इट्स वे टू द व्हील्स ऑफ योर कार। द इंटरनल कंबशन इंजन इन सिंपल टर्म्स इज अ हीट इंजन। ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़े। अब ये हीट एनर्जी कैसे जनरेट होती है ये भी देख लेते हैं। दिस हैपेंस व्हेन अ फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल इज बर्न इनसाइड द इंजन। इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। द फ्यूल इज मिक्स्ड विद एयर एंड देन कंप्रेस्ड। दिस कंप्रेस्ड मिक्सचर इज देन इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क प्लग इन द केस ऑफ पेट्रोल इंजन्स और बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन इटसेल्फ इन द केस ऑफ डीजल इंजन्स। ये प्रोसेस सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। इसके बाद द हॉट गैसेस फ्रॉम द एक्सप्लोजन पुश अ पिस्टन डाउन इनसाइड द सिलेंडर। दिस पिस्टन इज कनेक्टेड टू अ क्रैंकशाफ्ट एंड एज द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन इट रोटेट्स द क्रैंकशाफ्ट। अब ये क्रैंकशाफ्ट इंजन की पावर को व्हील्स तक ट्रांसफर करता है। द इंजन हैज मेनी सिलेंडर्स यूजुअली 4, 6 or 8 और मे बी इवन मोर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। Each cylinder goes through the same 4 steps of intake, compression, power, and exhaust. This is called the engine cycle. अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि कैसे इंजन साइकिल काम करता है। First up is the intake. इस step में the intake valve opens and air and fuel are drawn into the cylinder. इसके लिए पिस्टन नीचे जाता है और सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक सिरिंज से दवाई खींच रहे हो। देन कम्स कंप्रेशन। द इनटेक वाल्व क्लोजेस एंड द पिस्टन मूव्स अप कंप्रेसिंग द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। थिंक ऑफ इट लाइक पुशिंग आउट मेडिसिन फ्रॉम दैट सेम सिरिंज। देन कम्स पावर। द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द मिक्सचर इन द केस ऑफ पेट्रोल इंजन्स व्हाइल इन डीजल इंजन्स द हीट ऑफ कंप्रेशन इटसेल्फ इग्नाइट्स द फ्यूल। This causes a small explosion that pushes the piston back down. ये explosion engine को power देता है। ये process ऐसे है जैसे किसी चीज को आग लगाने पर वो blast हो जाता है और उसकी energy बाहर निकलती है। Then comes the exhaust stage. The exhaust valve opens and the piston moves back up, pushing the exhaust gases out of the cylinder. इन exhaust gases में carbon dioxide, water vapor और कुछ harmful pollutants होते हैं। ये पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है और इसी से आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पावर मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स की। देयर आर द पेट्रोल इंजन्स। दीज आर जनरली स्मॉलर एंड लाइटर देन डीजल इंजन्स एंड दे आर ऑल्सो क्वाइटर। पेट्रोल इंजन्स में स्पार्क प्लग फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इग्नाइट करता है। देन देयर आर द डीजल इंजन्स। These are known for their fuel efficiency and torque, but they can be noisier than petrol engines. Diesel engines mein spark plug nahi hota, balki fuel ko compress karke ignite kiya jata hai. Now these two can be of the following types. Two-stroke engines. Ye engines simple aur lightweight hote hain, lekin ye zyada pollution create karte hain. इन इंजन्स में हर एक क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन पर पावर स्ट्रोक होता है। टू स्ट्रोक इंजन्स को आमतौर पर मोटरसाइकिल, लॉन मोवर्स और छोटे मरीन इंजन्स में यूज किया जाता है। देन देयर आर द 4-स्ट्रोक इंजन्स। ये इंजन ज्यादा एफिशिएंट और क्लीन होते हैं 2-स्ट्रोक इंजन से और इनको कार्स में ज्यादा यूज किया जाता है। इन इंजन्स में हर 2 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन पर पावर स्ट्रोक होता है। 4-स्ट्रोक इंजन्स कार्स, ट्रक्स एंड बड़े मरीन इंजन्स में यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रैंकशाफ्ट की पावर आपके व्हील्स तक कैसे पहुंचती है। एंड फॉर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट क्लच, गियरबॉक्स और ड्राइवशाफ्ट की। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो इंजन में फ्यूल और एयर का फ्लो बढ़ जाता है जिससे कंबशन रेट बढ़ती है और इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है। क्लच का काम है इंजन को गियरबॉक्स से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना। जब आप क्लच दबाते हैं तो इंजन और गियरबॉक्स डिसकनेक्ट हो जाते हैं। इससे आप गियर चेंज कर सकते हैं। गियरबॉक्स आपकी कार की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। टॉर्क वो फोर्स है जो आपकी कार को स्पीड देती है। ज़्यादा टॉर्क का मतलब है कि आपकी कार तेजी से एक्सेलरेट कर सकती है या फिर भारी लोड को आसानी से खींच सकती है। ड्राइवशाफ्ट गियरबॉक्स की पावर को रियर व्हील्स तक ट्रांसफर करता है। आपने देखा होगा कि जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। द लोअर द रेवोल्यूशंस पर मिनट द क्वाइटर द इंजन विल बी। द हायर द आरपीएम द लाउडर द इंजन गेट्स। दैट्स व्हाई व्हेन यू हियर हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स लाइक स्पोर्ट्स कार्स एंड स्पोर्ट्स बाइक्स दे साउंड सो इनसेन। इंटरनल कंबशन इंजन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है।
इसके बिना हमें आज जैसी मॉडर्न कार्स देखने को नहीं मिलती। फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है एंड वी नीड टू अडैप्ट एज वेल। तो इसी शो में आई हैव केप्ट टू डिफरेंट सेगमेंट्स। अभी तक वी स्पोक अबाउट द आइस साइड ऑफ थिंग्स, द ट्रेडिशनल इंटरनल कम्बशन इंजन्स, बट जस्ट आफ्टर द ब्रेक वी गोना टॉक मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक साइड ऑफ थिंग्स। बेसिकली जो हमारा फ्यूचर होने वाला है, ऑल अबाउट ईवीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एवरीथिंग इन डिटेल राइट after this short break. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो टेक विद टीजी। एंड बेसिकली आज का जो एपिसोड है वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। वी हैव लॉट्स ऑफ पावर ऑल थैंक्स टू द टॉपिक, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंजन्स और ड्राइव ट्रेन्स के बारे में। जहां ब्रेक से पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनल कम्बशन इंजन्स जो कि ट्रेडिशनल फ्यूल पे रन करते हैं। अब सी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं, बट ओवर द ईयर्स वी जस्ट लुक बैक, दे हैव हेल्प्ड रियली बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे टू सी द वर्ल्ड इट इज़ इन दिस यू नो पोजिशन राइट नाउ, बट इट इज़ बाउंड टू चेंज बिकॉज द फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक, द फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट ईवीज। तो लेट्स एक्सप्लोर कि आखिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाउ एग्जैक्टली डू दे रन, और ये आखिर कैसे बिजली की मदद से आपको वही सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ ड्राइविंग अ कार, मे बी अ बाइक, एंड वन डे हु नोज, मे बी अ कंप्लीट एरोप्लेन। रॉ स्टेट मटेरियल से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक का सफर, विच मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर टू मूव आवरसेल्व्स, टू ट्रांसपोर्ट आवरसेल्व्स, ये जो सफर है ये साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक अमेजिंग अमलगमेशन है। So, let's start this story, but let's start with the battery in itself, which is like the heart of all this amazing technology. Electric vehicles mein mostly lithium ion batteries hoti hain aajkal use, jo ki energy store karne wali powerhouses hain. Yes, the same battery jo aapke ghar mein TV ka remote chalati hai, something of that sort, but on a larger scale, runs these fancy electric cars and scooters and bikes and mopeds. इनमें एक एनोड, एक कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ सेपरेटर होता है। मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन द लिथियम आयंस एनोड और कैथोड के बीच में घूमते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की माइनिंग होती है। सो माइनिंग का प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव भी होता है और इसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट भी होता है। बट Nowadays, what you see is electricity being produced through clean and renewable sources. So, ye is the future that we talk about when electricity would be generated completely through clean sources. Ek typical electric vehicle battery pack mein thousands of batteries, thousands of individual cells hote hain, and these cells, inko modules mein arrange kiya jata hai, and then they combine to make a pack. Thermal management systems use kiye jate hain because they're very important. These batteries, they overheat. And that degrades performance. So, overheating रोकने के लिए and performance को optimal करने के लिए there is thermal management. Batteries charge होने के बाद ये electric motor को power देती हैं. Internal combustion engines के opposite, electrical motors, they're pretty simple. They're just like a button. You press the button and then the fan starts turning. ये electricity को सीधा mechanical energy में convert कर देते हैं, जिससे efficiency बहुत ज़्यादा बढ़ती है and you need less and less moving parts. ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर देने वाले होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई यू हियर क्रेजी 0 to 100 नंबर्स विद इलेक्ट्रिकल कार्स और इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक्स इन दैट प्लेस। ये मोटर्स ऑल्टरनेटिव करंट विच इज़ एसी पे चलते हैं, जिसके लिए बैटरी का डायरेक्ट करंट यानी डीसी को कन्वर्ट करने के लिए अंदर एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। दीज आर दी कॉम्प्लेक्स मशीनरीज इन साइड योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। नाउ द मोटर का टॉर्क विच इज़ द रोटेशनल फोर्स, it comes instantly, that is the crazy acceleration numbers that you see, jisse cars, bikes ye bahut tez chalti hain. Then there is the concept of regenerative braking, jo electrical vehicles ka ek special features hai. It is something very unique to them. When you decelerate, kinetic energy is captured and then reused and fed back into the system to make electricity. So what happens eventually, battery ki range badh jati hai. While for now it's not that large of a number, but it shows its effects. Think of it like this, जब आप एक नॉर्मल व्हीकल में ब्रेक मारते हैं तो आप बस ब्रेक मारते हैं, ब्रेक पैड्स क्लैंप ऑन टू योर व्हील्स एंड देन स्टॉप देम ग्रेजुअली।
Whereas in an electrical vehicles, regenerative braking reduces reliance on friction brakes. It minimizes the wear and tear on these components, thus extending their lifespan. But also, think of this like this. The electrical motor, it undergoes a fascinating reversal of function. Electricity consume karne ke bajaye, wheels ko rotate karne ke bajaye, and vehicle ko aage badhane ke bajaye, it suddenly turns into a generator. Motor ka jo rotation hai car ke deceleration se, it is harnessed to actually generate electricity. Again, this is fed back into the battery pack, effectively capturing and storing this kinetic energy, jo otherwise lose ho jati, which essentially results in increasing the efficiency of these vehicles. And even though lithium-ion batteries ne bahut progress kar li hai, but there is still so much research and so much development pending, because we need to still increase their energy density, cost kam karne hai, charging speeds ko badhana hai, and in sab cheezon pe focus abhi chal raha hai. What is next? Maybe solid state batteries ज़्यादा energy जो store करती हैं और जो ज़्यादा जल्दी charge हो जाती हैं. Maybe higher density batteries जिसमें size शायद उतना ही रहे लेकिन energy store करने की capacity ज़्यादा बढ़ जाए. और maybe more efficient motors जो अभी के staggering numbers को भी और better कर दें. Friends, there you have it. I mean, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली कार हो या फिर एक ऐसी कार जिसको आप अपने घर के पावर प्लग से चार्ज करते हैं और फिर उसका मजा उठाते हैं, द एसेंशियल स्टफ और द कोर एलिमेंट्स दे स्टिल आर प्रीटी मच कॉमन. हाँ, फंक्शनिंग अलग है, डिज़ाइन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, बट टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स हर जगह पे है ही. एंड इन दिस एपिसोड वी एक्सप्लोर्ड अबाउट द ट्रेडिशनल इंजन एंड ड्राइव ट्रेन ऑफ आइस व्हीकल्स एंड ऑल्सो कि आखिर ईवीज कैसे काम करती हैं. अब फ्यूचर में देखते हैं हाउ एग्जैक्टली डू वी मूव, आगे चल के हाउ डू वी सी ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस कमिंग इन. अगर आपको इस टॉपिक के बारे में इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चन, क्वेरी, इफ यू हैव एनी सजेशंस, यू नो द ड्रिल. द ईमेल एड्रेस इज प्रीटी सिंपल, इट्स tg@ndtv.com. मैं और मेरी टीम पूरा आपके ईमेल्स पे फोकस करके ध्यान से अपना पूरा ध्यान लगा के उनको पढ़ने वाली है. सो प्लीज ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड इज अगेन अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी टेक्नोलॉजिकल, या हो सकता है नहीं, जिसमें मेरा ध्यान ना जाता हो, बट आई विल ट्राई टू converge all your focus towards another topic related to tech. Agle episode mein filhal itna hi. Take care and have a good day.